You are watching English Made Easy with Khan. Adjective of number. Give the answer of how many persons or things are meant. How many persons or things are meant. For example, 4, 5, 6, 7, few, no, all, second, first, third, most, some. All these words give the answer of how many. ये तादाद के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें तादाद के बारे में बताता है कि किसी नाउन, किसी बंदे, किसी चीज़ की तादाद कितनी है. ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनके बारे में बताता है. वो एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो ऐसे अल्फाज जो उन नाउन को डिस्क्राइब करें, उन नाउन्स के बारे में बताएं, वो अल्फाज क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नाउ टेक द एग्जांपल्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस. 2 hands हैव 10 fingers. नाउ 2 and 10. 2 hands के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, 10 fingers के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. हैंड भी नाउन है और फिंगर भी नाउन है. हैंड और फिंगर्स ये नाउन है. 2 और 10 ये एडजेक्टिव्स हैं. ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं या न्यूमरल एडजेक्टिव हम इनको कहेंगे क्योंकि ये नाउन के मीनिंग्स में इजाफा कर रहे हैं. 2 और 10 हेयर एडजेक्टिव ऑफ नंबर. Take another example. A few cats like cold milk. A few cats like cold milk. How many cats? A few. चंद एक. Cats noun है, उसके मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? A few. A few is called adjective of number. There are no pictures on the wall. There are no pictures on the wall. पिक्चर्स के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? नो. पिक्चर्स को गिना जा सकता है, 1 2 3 4 5. तो नो यहां पे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. हमने पहले इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में देखा था कि आई हैव, शी हैज नो सेंस, दे हैव नो सेंस. सेंस को चूंकि हम गिन नहीं सकते थे वहां पे नो क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. यहाँ पे नो इसको हम गिन सकते हैं. यहाँ पे वही लफ्ज़ क्या है? नो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. बिकॉज पिक्चर्स आर काउंटेबल. ऑल मेन मस्ट डाई. ऑल मेन मस्ट डाई. मेन नाउन है, इसकी मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? ऑल. मेन आर काउंटेबल, इनको हम गिन सकते हैं. मेन काउंटेबल नाउन है, इसकी मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? ऑल. ऑल वर्ड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. हेयर आर सम राइप मैंगोज. हेयर आर सम राइप मैंगोज. मैंगोज को गिना जा सकता है, 1 2 3 4 5 काउंटेबल हैं. तो हमने देखा कि हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, सम. शी एट सम राइस. राइस को हम गिन नहीं सकते, मैंगोज को हम गिन सकते हैं. Here the same word sum is used as adjective of number. तो sum यहाँ पे क्या है? Adjective of number. Take another example. Saturday is the last day of week. Saturday is the last day of the week. Last, L-A-S-T, last day. Day noun है, इसके meaning में कौन इजाफा कर रहा है? लास्ट. तो लास्ट लफ्ज़ क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. तो ऐसे अल्फाज जो तादाद को जाहिर करते हैं, जो जिनको गिना जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव ऑफ नंबर. लास्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव आर ऑफ 3 kinds. डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स which denote an exact number as. 1, 2, 3, etc. These are called cardinals. First, second, third, etc. These are called ordinals. A cardinal denotes an exact number, while an ordinal denotes an order of things in a series. Ordinal numbers क्या होते हैं? वो एक सीरीज में एक तरतीब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. और कार्डिनल क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताते हैं. दूसरी किस्म इसकी कौन सी है? इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव. जैसे कि डेफिनेट का मतलब है महदूद, इनडेफिनिट का मतलब है लामहदूद, कोई तादाद का पता नहीं कितने. इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव which don't denote an exact number. All, many, some, few, no, certain, several, sundry, etc. Distributive numeral adjective which refers to each one of number as either, neither, each, every. All these words are called distributive adjective number. Now take example of distributive adjective number in sentences. Each girl must take her turn. Each girl. Here each is distributive numeral adjective. Girl के meaning में कौन सी? This. Each. हर एक. हर एक. मखसूस के लिए. Every. एक मजमूए, एक तादाद के लिए, एक ढेर सारे लोगों के लिए, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एवरी. फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी. एवरी मैन. हेयर एवरी इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. आइदर थर्बन विल डू. आइदर थर्बन विल डू. दोनों में से एक पगड़ी क्या होगी, उससे काम चल जाएगा. आइदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. नाइदर एक्यूजिशन इज ट्रू. नाइदर एक्यूजिशन इज ट्रू. दोनों में से कोई इल्ज़ाम भी क्या है, ठीक नहीं है. नाइदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. द सेम एडजेक्टिव मे बी क्लास्ड एज ऑफ क्वांटिटी और नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज़. आप यहाँ पे कॉलम की शक्ल में आप देख रहे होंगे कि ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी वही हैं. फॉर एग्जांपल, आई एट सनराइज. आई एट सनराइज. हेयर सम राइस के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. राइस एडजेक्टिव ऑफ, ये नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो यहाँ पे सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. लेकिन सम बॉयज़ और क्लेवर. सम बॉयज़ और क्लेवर, बॉयज़ को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. सेम एडजेक्टिव है सम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है. ही हैज़ लॉस्ट ऑल इज वेल्थ. ही हैज़ लॉस्ट ऑल इज वेल्थ. अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते, उसमें ज़मीनें भी हैं, जानवर भी हैं, सोना चांदी भी है, दौलत है, उसमें इन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते. तो वेल्थ इज़ अनकाउंटेबल. यहाँ पे क्या है? ऑल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. लेकिन ऑल मैन मस्ट डाई. मैन को गिना जा सकता है, तमाम आदमियों ने मरना है. अब यहाँ पे ऑल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो सेम लफ्ज, सेम एडजेक्टिव ऑल is adjective of quantity as well as adjective of number. You have no sense. Sense को हम count नहीं कर सकते, ये मिकदार है, ये इसको हम समझ नहीं आती कि कितनी, इसको countable नहीं है sense. तो यहाँ पर noun क्या है? Adjective of quantity. तो दूसरा आपने देखा, there are no pictures on the wall. तो pictures को गिना जा सकता है, तो वहाँ पे वही लफ्ज़ no क्या है? Adjective of नंबर है. नो सेंस, नो पिक्चर. तो पिक्चर के लिए नो आया तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नो सेंस के लिए आया तो वो एडजेक्टिव ऑफ quantity. Now take another example. He did not eat any rice. He did not eat any rice. उसने कोई चावल नहीं खाए. तो चावलों को आप राइस को काउंट नहीं कर सकते. ये मिकदार है, ये तादाद नहीं है. तो यहाँ पे any क्या है? Adjective of quantity है. Are there any mango trees in this garden? Are there any mango tree in this garden? यहाँ पे any किसके लिए आया? Tree के लिए आया. तो tree को क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है. वही same लफ्ज any rice, तो any adjective of quantity, any tree वहाँ पे adjective of number है. एक ही adjective है, A-N-Y, any. Adjective of quantity भी है, adjective of number भी है. I have enough sugar. मेरे पास काफ़ी शुगर है, काफ़ी चीनी है. तो शुगर चूँकि अनकाउंटेबल है, मिकदार है, तो यहाँ enough क्या है? Enough is adjective of quantity. There are not enough spoons. There are not enough spoons. स्पून्स को गिना जा सकता है, चम्मच. वही लफ्ज इनफ, इनफ शुगर, शुगर चूंकि अनकाउंटेबल है, वहां पे इनफ क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नॉट इनफ स्पून, तो वहां इनफ स्पून के लिए इस्तेमाल हुआ. स्पून काउंटेबल है, उनको गिना जा सकता है. वही लफ्ज इनफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है. तो आपने देखा व्यूअर्स कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी वही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, वही एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी वही एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं. बिफोर आई बिड गुड बाय, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टैप द बेल आइकॉन सो यू मे स्टे अपडेटेड.